हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई, महाराजा इंडियन तमिल लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे डायरेक्ट किया है नितिलन स्वामीनाथन ने। इस फिल्म में सिंपल कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। कहानी की शुरुआत सामान्य रूप से ही शुरू होती है और बाय गॉड, कहानी आपको पूरे टाइम बांध कर रखने वाली है। मूवी में एक साथ दो बैकग्राउंड चल रहे होते हैं। विजय सेतुपत और अनुराग कश्यप की एक्टिंग गजब की जबरदस्त है। कई जगह अनुराग कश्यप की एक्टिंग विजय सेतुपत से भी अच्छी दिखती है। आप ये नहीं कह सकते कि अनुराग कश्यप केवल डायरेक्टर हैं। तो मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि विजय सेतुपति सैलून से लौट रहे होते हैं और लौटने के बाद वो अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीद रहे होते हैं। तभी एक बड़ा सा भयानक एक्सीडेंट होता है जिसमें उनकी पत्नी और बच्ची एक्सपायर हो जाती हैं। इसके बाद कहानी अगले 15 साल बढ़ जाती है आगे, जिसमें ये दिखाया जाता है कि विजय सेतुपति एक घर में अपनी बेटी के साथ रह रहे हैं और अभी भी वो सैलून में ही काम करते हैं और उनकी बेटी एक अच्छी खासी स्कूल में पढ़ रही हैं जो कि अब 15 साल की हो चुकी हैं। इससे ये तो समझ आता है कि मूवी में उनकी बेटी का एक्सीडेंट तो होता है लेकिन बेटी बच जाती है और माँ एक्सपायर हो जाती है, जिसमें मूवी में दिखाया भी जाता है कि उनकी पत्नी की फ़ोटो लगी हुई है जबकि उनकी बेटी उनके साथ रह रही है। साथ ही एक कचरे का डिब्बा दिखाया जाता है जिसकी सारी मूवी की कहानी उस कचरे के डिब्बे पर ही डिपेंड कर रही है, यानी उसके इर्द गिर्द ही घूमेगी। इसके बाद मूवी थोड़ी सी आगे चलती है जिसमें दिखाया जाता है कि उनकी बेटी एक अच्छे खासे स्कूल में पढ़ रही हैं और कुछ थोड़े बहुत वाद विवाद होते हैं। फिर अगले पल दिखाया जाता है कि विजय सेतुपति, जिनका नाम है महाराजा, वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं और एक रिपोर्ट लिखवाते हैं कि उनका डस्टबिन उनके घर से चोरी हो गया है और वो ये भी बताते हैं कि 3 चोर आते हैं जो उनके साथ मारपीट करते हैं और वो डस्टबिन लेकर चले जाते हैं क्योंकि और कुछ उनके घर में नहीं रहता है। तो विजय सेतुपति यानी कि महाराजा ये कहते हैं कि वो उस डस्टबिन के बदले कुछ भी देने को तैयार हैं, यानी कि वो 1,00,000 रुपए खर्च करते हैं और वो कहते हैं कि डस्टबिन जिसने भी चुराया है और वो 3 चोर उन्हें चाहिए किसी भी कीमत पे। और वो काफ़ी पैसा खर्च करते हैं और पुलिस स्टेशन में ही रहते हैं जो काफ़ी डिटेल में दिखाया गया है। आपको कहानी बहुत मार्मिक लगेगी, काफ़ी दिल से छू जाएगी। साथ ही बैकग्राउंड में अनुराग कश्यप यानी कि जिनका नाम सेल्वा है उनकी कहानी भी चल रही है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि वो एक इलेक्ट्रीशियन की दुकान है उनकी और साथ ही सेल्वा जो है चोरी करता है और चोरी करने के लिए उनकी एक टीम है, मतलब एक ग्रुप है जिसमें 3 से 4 लोग हैं और वो चोरी करने के बाद जिस घर में भी चोरी करते हैं उस घर को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वहाँ के लोगों को भी मार देते हैं। और एक दिन पुलिस को पता चल जाता है कि ये सारी चोरियाँ कौन कर रहा है और पुलिस उसी दिन सेल्वा के घर में पहुँचती है जिस दिन उनकी बेटी का बर्थडे रहता है और सेलिब्रेशन हो रहा होता है। पुलिस आती है, थोड़ी बहुत मारपीट होती है और फिर पुलिस सेल्वा को गिरफ्तार करके ले जाती है। मूवी फिर से वर्तमान में आती है जिसमें दिखाया जाता है कि वो 3 चोर कोई और नहीं यही होते हैं, यानी कि सेल्वा और उसके 2 साथी जो कि विजय सेतुपति यानी महाराजा के घर में चोरी करने जाते हैं और वो डस्टबिन चुरा के ले जाते हैं। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये सामने निकल कर आती है कि सेल्वा और उसके साथी इस घर में चोरी करने के उद्देश्य नहीं आते हैं बल्कि महाराजा को मारने आए हुए होते हैं, क्योंकि सेल्वा को ये लगता था कि उसको पुलिस को महाराजा ने ही गिरफ्तार करवाया था। सेल्वा महाराजा को मारने के लिए उसके घर पे पहले से छुपा हुआ होता है लेकिन महाराजा उस दिन अपने घर लेट आता है क्योंकि उसे अपनी बेटी के लिए जूते खरीदने होते हैं जो कि उसकी बेटी कैंप से लौट कर आ रही होती है और महाराजा के आने से पहले उसकी बेटी घर पर आ जाती है। और उसी समय विजय सेतुपति के घर पहुंचने से पहले ही उसकी बेटी के साथ गलत हो चुका रहता है। जब तक वो घर आता है तो वो काफ़ी, और मूवी का थोड़ा सा सस्पेंस यहाँ पे कम होता है और पता चलता है कि विजय सेतुपति उस डस्टबिन के चोरों को नहीं बल्कि उन्हें ढूंढ रहा होता है जिन्होंने उसकी बेटी के साथ गलत काम किया होता है और वो किसी भी कीमत पर उन तीनों को पकड़ना चाह रहा होता है। देन पुलिस वालों को भी इस बात का पता चल जाता है कि उन तीनों ने उस विजय सेतुपति की हुई बेटी के साथ गलत किया है और पुलिस वाले उनमें से एक को पकड़ लेते हैं और खुद विजय सेतुपति को सौंप देते हैं। और भाई, मूवी का असली क्लाइमेक्स तो आखिरी में दिखता है जिसमें ये पता चलता है कि वो बेटी विजय सेतुपति की नहीं होती है बल्कि पता चलता है कि ये बेटी सेल्वा की है। उसमें जो एक्सीडेंट होता है उसमें विजय सेतुपति यानी कि महाराजा की पत्नी और बेटी एक्सपायर हो जाते हैं जबकि सेल्वा की पत्नी और बेटी भी वहीं पे होते हैं और सेल्वा की पत्नी एक्सपायर हो जाती है जबकि सेल्वा की बेटी उस डस्टबिन के गिरने से उसकी बेटी बच जाती है जिसकी वो विजय सेतुपति और उनकी बेटी काफ़ी पूजा भी करते थे।
महाराजा को सेल्वा की बेटी इसलिए मिली क्योंकि जिस दिन पुलिस उसको पकड़ कर ले गई थी उसी दिन सेल्वा विजय सेतुपति के सैलून में बाल कटवाने के लिए जाता है और अपनी बेटी का चेन जो उसे वह बर्थडे में देने वाला होता है वो वहीं छोड़कर भूल जाता है, जिसे पहुंचाने के लिए ही विजय सेतुपति सेल्वा के घर में जाता है और उसे ये गलतफहमी होती है कि उसने पुलिस को उसके बारे में बताया है। तो भाई साहब मूवी बहुत ही शानदार और गजब की है। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।